हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो। हेलो, हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें शक्ल दिखा के बात करते हैं लोग इस तरीके से। जरा थोड़ा सा कैमरा, हाँ देयर यू गो। मेरी शक्ल दिख रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे नहीं दिख रही है, तो आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज आई वुड लाइक टू से दैट जो ये जो इस तरह के मतलब देखें, मैं भी एक मेल पर्सन हूँ जी, जिस तरह की ये बिल्कुल ही, यानी कि जो घर में, अपने घर में बात कर रहे हैं ना, फिर इस तरह की ये लोग ये डिस्कशन आपसे कर रहे हैं, अपने घर वालों से करें। मगर हमारे मुआशरे में करते नहीं ना ये बातें, घर पे करते नहीं ना, शर्म के नाम पर बच्चों को सेक्स एजुकेशन देते नहीं है, बच्चों को बताते नहीं है कि भाई अगर आपको फ्रस्ट्रेशन चढ़ी हुई है तो आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आके फिर इंटरनेट पे हरकतें करते हैं, राइट। तो ये हमारे मुआशरे में बातें करने की जरूरत है बहुत। अब देखें प्रॉब्लम ये है कि फ्रस्ट्रेशन तो डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है ना, बट एक टॉपिक पे फ्रस्ट्रेशन निकालना, ये तो कोई मैं तो इसको मर्दानगी नहीं कहूंगा। नहीं, ये मर्दानगी की बात नहीं, ये बात वो आ जाती है कि अगर लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं तो उससे एक ही तरीके की बात करो जाकर, ठीक है। वो छोटे कपड़े भी छोड़ दें, मैं तो देख रही होती हूँ बेचारी हिजाब में भी बैठी होती है, नीचे जाके उनसे भी बोल रहे होते हैं शो बूब्स शो बॉब। ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, क्योंकि देखिए एक बंदा जिसका पेट भरा होगा ना वो भूखों की तरह नहीं भागेगा, जिसका पेट नहीं भरा होगा ना वो भूखे नंगे की तरह भागेगा। ये आप लिख लो। देखें आप आई थिंक कनाडा में रहते हो ना? जी। अच्छा, तो मैंने भी यूएस में कुछ वक्त गुजारा है, ठीक है ना। एट द मोमेंट आई लिव इन पाकिस्तान। अच्छा, ये जो जो इस तरह की बातें करते हैं वो ऐसा लगता है कि अभी घर से निकले नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने कोई दुनिया देखी नहीं है, तो इस तरह की जो है ना, ये वही बात है ना, आप कभी निकले नहीं होते हो, बाहर निकले नहीं हो, और फिर मौलवी साहब इनको बता रहे होते हैं कि बाहर के लोग जो है वो डिप्रेस रहते हैं और वो सिर्फ लड़कियां यहाँ की सिर्फ नंगी हो रही होती है, हम लोग कुछ और करते ही नहीं है सिवाय सेक्स के, शराबे पीने के। काम प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि गोरों के मुल्क में बहुत ही ज्यादा जो है वो इस तरह का इश्यूज है ना, माहौल। मैंने भी वक्त गुजारा है वहां पर, लेकिन ये तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, ये इट्स डिपेंड अपॉन मी कि मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं। देखें कॉमन सेंस की बात है, अगर गोरे सिर्फ शराबे पी रहे होते और सिर्फ लड़कियों के साथ जिना कर रहे होते तो उन्होंने ये सारी इजादें जो आपको मिल रही है गोरों की ही मिल रही है ना आपको, उन्हीं की। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट आई एम विद माय वाइफ, ओके। हाय भाभी जी, क्या हाल है आपका? हाय। तो इट्स मतलब मुझे तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है ये इस तरह के लड़के, 18 साल के, 20 साल के लड़के आके उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो ये कोई। अब लोगों ने सोशल मीडिया को इन यानी के अनसोशल कर दिया है, मैं तो ये कहता हूँ। नहीं, बात ये है, देखिए ये पहले बातें, ये बातें हमारे माशरे में भी होती हैं, पाकिस्तान में, क्योंकि आप एक मर्द हैं तो आपको इतना रियलाइज नहीं होगा, मगर पाकिस्तान में एक औरत का बाहर निकलना, आप अपनी वाइफ से पूछिएगा कि जब वो बाहर निकलती है तो उनको कैसा फील होता है, यानी मैं बाहर दुपट्टा पहन के भी निकली, मैं बाहर पूरे बुरके में भी निकली, नकाब में भी निकली, मगर मुझे गोलियां वैसे ही पड़ी लोगों से, यू नो, मैं यहाँ पे जो भी निकल जाऊं कोई कुछ पूछता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है आपकी तरफ ना, तो ये मात्रा हमारा ऐसा बना दिया है ना फ्रस्ट्रेटेड। अब वो वही चीज जो इंटरनेट पे दिखा रहे हैं, पहले ये लोग कॉलेजेस में करते थे लड़कियों के साथ। वी हैव टू डेयर, अब मैं जैसे कहता हूँ कि मैं इतना डेयर हूँ कि मैं अगर आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ तो आई एम विद माय वाइफ, ओके जी। नहीं, दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड टू सी।
पहली दफा हो रहा है ये, कोई मियां बीवी दोनों साथ में आए मेरे शो में वैसे। है ना हाँ मैं हमेशा ये लोग। बोलते हैं कॉल पे, मैं उनसे ये सबसे पूछती हूँ कि आप लोगों की वाइफ्स कहाँ है, वो आए हाँ बन छाए कर देते हैं सारे। जो देखें, जो चोर होगा ना, जिसके दिल में चोर होगा, वो आपसे अकेले में बात करना चाहेगा, ठीक है ना। जी मैंने तो खुद शेयर किया, मैंने कहा कि ये मैलीज हैं, ये कनाडा में होती हैं और ये लाइव सेशन करती हैं। तो मैं इनसे ये बता रहा था कि जो छोटे छोटे उम्र के लड़के नहीं आ जाते, तो वो इनको बहुत ही ज्यादा उसको, आप समझती हैं गंदी गंदी कि बातें करते हैं अपनी। मुझसे। हाँ बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं मुझे। हाँ, तो मुझे वो चीज बड़ी ऑकवर्ड लगी थी। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा थोड़ी है यार, हम एक नॉर्मल डिस्कशन भी तो कर सकते हैं, नहीं ऐसे ही है ना। अटेंशन भी चाहिए होती है ना बेचारों को, कभी कभार अटेंशन के लिए भी करते हाँ हैं लोग, फ्रस्ट्रेशन में भी करते हैं लोग। लोग पता है मुझे गाली दोगे तो मैं शायद कॉल पे ले लूं, इट्स जस्ट सो मच। चंद लड़कों को मजा आता है कि उनको गाली पड़ती है, उनकी फेटिश यही होती है। नहीं, मैं आपको हाँ बोल नहीं कर रही हूँ, एवरीबॉडी हैज अ फेटिश ना। किसी को टांगे अच्छी लगती हैं, किसी को कुछ और बॉडी पार्ट, आंखें अच्छी लगती हैं, सो सम पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फेटिशेस। चंद मर्द होते हैं उनका एग्जैक्ट। ट्रेंड और ये होता है कि जब लड़की उनकी बेइज्जती करे। ये यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है ये डोमिनेट्रिक्स का, उसको हाँ, क्या बोलते हैं उसको, मेल डोमिनेटेड हाँ वो है सब ना। लोग उनको प्ले करते हैं यहाँ पर। लड़कियां लिटरली हायर करते हैं मर्द, वो आकर उनको छितर लगाती है और वो पैसे देते हैं उसको कि भैया हमारे आके छितर लगाओ, हमें गालियां दो, हमको बेइज्जत करो। ये उनको टर्न ऑन है, ऐसे ही है तो दैट्स व्हाट सम पीपल फ्रॉम दैट साइकोलॉजी। वो हाँ फेम लेने के लिए, फेम लेने के लिए करते हैं। और जैसे यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा वो यूट्यूबर्स भी हैं, वो जी इतने टॉपिक्स लेके आ रहे होते हैं कि आप घर में नहीं नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, ठीक हाँ अरे आप है ना। यूट्यूबर्स को छोड़ें, मैं तो वो इस्लामिक चैनल्स के थंबनेल्स उसने मैंने लगाए थे, वो मेरे मेरा तो उनके थंबनेल्स देख कर दिमाग घूम गया था कि ये है क्या। आई वाज लाइक शॉक। मैंने मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखिएगा यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि जी इस्लामिक चैनल्स के कितने गंदे गंदे थंबनेल्स हैं। आई थिंक एक प्रॉपर हमारे माशरे में एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, जैसे यहाँ पे स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाती है फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। यानी मैं तो अपनी बच्ची को 2 साल की हुई थी तो मैंने उसको गुड टच बैड टच फौरन समझा दिया था कि भाई यहाँ ये जगह है, यहाँ पे किसी को तुम्हारे टच करने की अलाउड नहीं है। कोई अगर तुम्हें हक करना चाहे तुमने नहीं करना है, डोंट लेट देम, डोंट फोर्स। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि मेरी बच्ची को हक करो, अगर वो नहीं चाह रही होती है, कहीं अगर अनकंफर्टेबल होती है वो तो मैं वहां नहीं जाने देती हूँ। तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस देम एट अ सर्टेन एज अबाउट सर्टेन थिंग्स। अब जैसे फॉर यस एग्जाम्पल, मैं जब पाकिस्तान में थी मुझे पता ही नहीं था कि पीरियड्स क्या होते हैं, वो तो 2 हफ्ते पहले यस हमें पता चल रहा है पीरियड्स क्या होते हैं। आई वॉज लाइक, आप लड़कियों को पता ही नहीं होता है। तो बेसिकली इंडियन हो ना। नहीं, मैं वह मेरे ननियाल इंडिया से था, बट आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान, मगर अच्छा अच्छा अगर आप गुड। देखें तो आए तो वहीं से थे। मेरा जो डैड की फैमिली है, देयर लाइक इफ यू गो इनटू द बैकग्राउंड, वो अफगानिस्तान वहां से आते हैं, और मेरे जो नानी के साइड के लोग हैं वो इंडिया और फिर ईरान से आते हैं क्योंकि वो पारसी थे। ओके, एनीवेज या सो आई एम मिक्स्ड। जी थैंक यू थैंक्स अ सो लॉट मच। फॉर हाँ गिविंग मी थैंक यू टाइम। सो मच, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। टेक केयर हेलो भाभी हेलो, जी, अल्लाह। सो नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय। देखिए यार, फर्स्ट टाइम दोनों मियाँ बीवी। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि भाई जिनकी शादियां हो गई हैं उनको अपनी बीवियों के साथ बैठ के ये चीजें सुननी चाहिए। आई नो थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है, मगर यार वी आर ऑल अडल्ट्स, थोड़ा सुनना चाहिए। औरतों को थोड़ा सा आपको ना मजबूत करना पड़ेगा। बहुत हम जो बना देते हैं ना नाजुक कली, और जो अच्छी औरत है वो नाजुक कली की तरह ही होगी, दैट डजंट वर्क इन दिस डे। नाउ आई डोंट नो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।